कहने वाले अपनी एक्सरे शीट अंदर से और दिखा देते हैं, अच्छी भी नहीं लग रही, खुद को एक चीपनेस सी आ रही है। तो भाई वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, बेटर देन जेड ब्लैक बंदे कहते हैं इसको कि भाई जेड ब्लैक से अच्छी है ये वो, बहुत सारी मतलब इसके ना मिथ बन रखे। आज इसका पूरा खुलासा करेंगे, अंदर से कैसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है, यूजफुल है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और एक बार फटाफट से लगा लेते हैं, मतलब विदाउट अभी कुछ नहीं करा रखा हमने इसके अंदर ना, बिल्कुल सिंपल जैसे प्लेन है, प्लेन मिरर रहने वाले इधर के भी इधर के। बाकी पीछे वाला अपना जेड है तो वो नहीं दिखाऊंगा, बाकी डिफरेंस के लिए दिखा सकता हूँ। पहले अब इसको ना एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और एक बार एक्सरे शीट दिखाते हैं किस टाइप की होती है। रहने वाले अपनी एक्सरे शीट जिसमें मतलब चार पीस है अपने, फ्रंट और बैक दोनों के गेट के, दोनों साइड के रहने वाली है, उसके अंदर चारों पीस है। बाकी देख रहे हो कैसे मुड़ी, मतलब हल्की सी मोड़ दो ना तो ये अजीब सी रहती है, देखो मुड़ी मुड़ी सी, और ज़्यादा नहीं मुड़ी, मतलब हल्की सी सीट पर रखी थी, देखो हल्की मुड़ रखी है। और मतलब जितना भाई इसको सीधे रखोगे उतनी अच्छी लाइफ रहती है वैसे इसकी। बाकी इस तरीके से अपने रहने वाली, बिल्कुल ब्लैक सी लग रही होगी यहाँ पे, तो ये देखो चार पीस रहने वाले। अब इसको फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ऐसे भाई इतना डिफरेंस पता नहीं लगेगा आप लोगों को। ये देख रहे हो यहाँ से कितनी ब्लैक है, यहाँ से एक फटाफट से लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या रिव्यू है इसका। भाई इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया एक्सरे शीट अपनी, लगा दी है शीशे के ऊपर, तो मेन देख रहे होगे भाई अभी भी ना इसमें अजीब सी लग रही होगी, तो अजीब सी इसलिए लग रही होगी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब ये नई नई आती है तो बिल्कुल ना स्ट्रेट सी रहती है, मतलब बिल्कुल टाइट सी रहती है, मतलब सीधी रहेगी। बाकी अब गाड़ी में भाई इतना स्पेस होता नहीं, अब इसको डिग्गी में रखोगे तो हल्की बहुत मुड़ जाती है, तो इसका सबसे मेजर नेगेटिव तो यही हो गया पहले। और इस एक ना जेड ब्लैक की लुक और एक इस लुक में भाई बहुत डिफरेंस है, इसमें आर पार भी दिखता है, प्लस इसमें ना एक जैसे शीट होती है, शीट जैसे मुड़ गई या कागज़ मुड़ गया ना तो अजीब सा लगता है। देखो फ्रंट से पूरा एक तो अंदर का क्लियर है, ये देख रहे हो अंदर का दिख रहा है अपना डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें। इसके अंदर ना ऐसे मार्क्स से आ जाते, देखो अलग सी लाइन से हो गई ना यहाँ पे, हो गई यहाँ पे, तो ये विजिबल होती है बिल्कुल क्लियर ना। अंदर से और दिखा देते हैं अंदर से कैसा, मतलब बाहर का कितना विजिबल है, क्या है क्या नहीं है। तो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तो चेतन की भाई ये गाड़ी रहने वाली है, तो चेतन ये बता पहले तो कितने की लाया ये भाई? ये 800 से लेके 1000 रुपये तक की मिल जाती है बाहर कहीं भी। तो अब एक हफ्ता हो गया तेरे को शायद यूज करते हुए, क्या एक हफ्ता है, तो भाई इसको मतलब वेल वर्थ इट है या किसी को रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? मेरे हिसाब से तो भाई लेके देखो इसको कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा शेड्स ले लो, और अगर नहीं भाई तुम्हें जेड ही चाहिए तो अपना भाई शीशे जिसको जेड करानी तो जेड ही कराएगा, जेड ही कराओ, इसका तो कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। प्लस इसमें भाई आर पार दिखता है, बाहर से भी दिखता है, अंदर से देख लो इस तरीके से अपनी वो रहने वाली विजिबिलिटी है ना, उस टाइम तो नहीं आती क्योंकि नहीं नहीं मैं वो बना के देते हैं, पर लेकिन है इसमें दिक्कत ये कि क्योंकि ना वो जो रोल होता है उनके पास वो भी घुमा हुआ होता है, वो घुमा हुआ होता है तो इसलिए सारी घुमी हुई आती हैं, इसको बाद में भी जब घुमा के रखते स्ट्रेट करेंगे तो बाद में सिलवटें आती आती हैं, मतलब कोई मतलब है नहीं यार जितना मतलब एक जेड में इसकी इतनी हवा, इसकी इतनी हवा बना रखी है इंस्टाग्राम पे, एक्सरे शीट जेड ब्लैक को फेल कर देगी भाई, मैं कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ मनी है। मैं तो अभी 10 मिनट हुए हैं, मैंने 10 मिनट हुए आए हुए, मैं तभी तुझे रिकमेंड, तू खुद करवाने के लिए, मैं खुद करवा रहा था भाई, इसने बोला मत करवा बेकार चीज है, तो मैं इसलिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, मेनली ये फोकस है मेरा भाई। 10 मिनट लग गए इसको लगाते लगाते ना, और 10 मिनट में भी ना कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि जैसे अब देखो साइड में खड़ी है ना जेड ब्लैक वाली, तो उसकी जेड ब्लैक और इसमें भाई बहुत डिफरेंस रहने वाला है। तो इस तरीके से पूरी अंदर से भाई व्यू चेक कर सकते हो, एक शीशे नीचे करके और दिखा दे यार। इसमें पता है एक दिक्कत और होती है, तुम्हें ना इसके ऊपर टेप लगानी पड़ती है, वरना हम इसको जैसे यूं नीचे करेंगे तो शीट हर बार नीचे नहीं आती, वरना मुड़ जाती है, शीट बाहर ही निकल गई, नीचे तो छोड़ दे बाहर ही आ गई, वहां से अलग ही दिख रही है। तो इसमें हमें ऊपर टेप लगानी पड़ती है, और जब टेप लगाते हैं वो और ज्यादा चीप लगता है क्योंकि वो दिखती है हल्की हल्की टेप ऊपर। कुल मिला के देखो भाई डिफरेंस देख रहे हो शीशे का, शीशा ऊपर चढ़ा हुआ है, ये शीशा गैप आ रखा है इतना, अभी नीचे करिए तो ये देख लो कितना डिफरेंस है। तो कुल मिला के भाई वर्थ इट नहीं है ना? नहीं। और अंदर से देखे यहाँ से निकल गई, तो मतलब बंदा यही करता रहेगा इसको संभाले कि गाड़ी चलाए कि क्या करे, मतलब भाई वेस्ट ऑफ मनी, मतलब कूड़ा चीज है एक तरीके से, कूड़ा वेस्ट ऑफ मनी पूरी कह लो भाई इसको। डिफरेंस दिखा देता हूँ, देखो एक्सरे मैंने दिखा दिया आप लोगों को, अब मेन है भाई जेड ब्लैक, देखो जेड ब्लैक में बिल्कुल क्लियर है कि भाई बिल्कुल ब्लैक अंदर का, मतलब आपको दिख ही नहीं सकता है, देखो मैं दिखाऊँ जूम करके तो अंदर का आपको दिख ही नहीं सकता, मतलब मेरी रिफ्लेक्शन आ जाएगी और इधर से इधर की रिफ्लेक्शन आ जाएगी, मैं पीछे होगा अंदर का भाई आगे का भी इसलिए अगर आगे का जेड नहीं है, अगर पीछे का देख लो भाई और बताओ, पीछे का नहीं दिखेगा, पीछे का 1% नहीं दिखेगा भाई, बंदा अंदर कौन बैठा कौन नहीं बैठा वो कुछ नहीं दिखेगा पीछे से। बाकी अगर अंदर से और दिखाएंगे, मतलब एक लुक आ जाएगी जेड ब्लैक, बंदा कोई भी सिंपल गाड़ी हो नई गाड़ी लाए जेड कराते लुक आ जाए, देख रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है भाई, बस रिकमेंड नहीं है
भाई लीगल भी तो नहीं है। अंदर से और दिखा देता हूँ बाहर का कैसे ना। बाहर से तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें दिखा दी और अंदर से एक और बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ। देखो अंदर से बाहर का तो सारा क्लियर दिखता है। देखो मतलब बाहर कौन है कौन नहीं है तो सारी चीजें दिखे, जैसे बंदे खड़े हुए बाहर तो सारी चीजें दिखे। मतलब मेन है कि बाहर से अंदर नहीं दिखना चाहिए इसमें। और ये बंदे लगवाते हैं इसीलिए कि भाई जेड ब्लैक फिल्म और अंदर से क्लियर दिखता है। मतलब बार बार स्कूटी बाइक मतलब जो भी ट्रैफिक चल रहा है रोड पे वो सब चीजें क्लियर है। और प्लस प्राइवेसी वगैरह रहती है बंदे की पूरी, किस तरीके से अपनी जेड रहती है। और अंदर अंधेरा अंधेरा से लग रहा होगा भाई। तो भाई जेड मतलब जेड ब्लैक और एक्सरे में भाई बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क रहने वाला है। जो कि कहते हैं ना भाई जेड ब्लैक से अच्छी है एक्सरे शीट अच्छी है, तो भाई एक्सरे शीट इसलिए नेगेटिव है भाई। मेन तो एक तो सारी मैंने वीडियो के अंदर दिखा दी कि भाई मार्क्स वगैरह आते हैं और इतना डिफरेंस भी नहीं है, आर पार भी दिखता है अंदर से भी दिखता है। प्लस शीशा खोलोगे तो वो नीचे मतलब टेढ़ी मेढ़ी होते हैं, लहर जाती है। गाने वाने बजाओगे हाई स्पीड में और मतलब हैवी बेस बूफर वगैरह है तो वो भी भाई नीचे गिर नीचे आ जाती है। तो ये सब चीज़ भाई मतलब दिमाग में रखना अगर लगवा रहे हो तो। उससे एक चीज़ और फायदा, जैसे ऊपर नीचे करेंगे ना तो इसमें भाई साथ में रहती है और ये चीज़ सबसे बेस्ट है भाई। एक मतलब दिक्कत परेशानी नहीं आती। देखो बाहर कितनी रोशनी है और इसमें देखो हल्का से बंद करते पूरा डार्क। तो भाई बेस्ट है भाई, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है कि एक्सरे छोड़ के जेड ब्लैक पे शिफ्ट हो जाओ। और जो भाई जो अपनी जेड ब्लैक रहने वाली है तो वो उससे हाफ रेट मान लो एक्सरे शीट से। एक्सरे शीट अपनी 800 या 1000 रुपए के आसपास आती है ना, और ये अपनी 400-500 रुपए में हो जाती है। वो जगह जगह का और दुकान दुकान का हिसाब रहता है और क्वालिटी का फर्क होता है, वो आप लोग देख लेना। बाकी ठीक है, बेस्ट रहती है याली। परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार करवा लो फिर तुम्हें हटवाना नहीं पड़ता। वो बार बार हटाओ लगाओ और उसमें खराब हो जाती है, ये खराब नहीं होती। हाँ ये चीज बेस्ट है ना, तभी तो अच्छी चीज है भाई, अच्छी चीज है इसलिए बता रहे हैं, वरना कोई वीडियो बनाने का कोई मेजर नहीं था। और मेन इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे ना बतेरी वीडियो बना रखी है कि भाई एक्सरे बेटर देन जेड ब्लैक बेटर देन। भाई रियल लाइफ में कुछ बेटर नहीं है, ये जेड ब्लैक ज्यादा बेटर है। तो डिफरेंस भाई आप लोगों को बता दिया क्लियर, तो ये रहने वाला है पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, और बता देना भाई डिफरेंस कैसा लगा या कुछ दिक्कत परेशानी लगे तो उसको बता देना, इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।